सर, मोबाइल नंबर की डिटेल्स मिल गई हैं। ये नंबर राजेंद्र शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजेंद्र शर्मा आगरा के बड़े बिजनेसमैन राघव जिंदल के फादर इन लॉ। सर, सिया मैम के पेरेंट्स आए हैं। उन्हें बिठाओ, मैं आता हूं। राघव, मैं अभी उनको जाके तुम काफी थक गई थी कल रात को, दादी के साथ इतनी मेहनत की। डोंट वरी, तुम फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ डील करता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। आइए आइए, बैठिए प्लीज। आइए आइए ना डैड, मॉम प्लीज। आई आई प्लीज बैठिए, बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए। बोलिए दावा, प्लीज बैठिए ना, बोलिए। दामाद जी सॉरी, हम ऐसे बिना बताए सुबह सुबह चले आए। दरअसल हम माफी मांगने आए, कल रात माँ जी ने यहाँ आके जो भी किया। कि मैं चाहता हूँ दादी यहाँ पर आए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, सो प्लीज उनको भेज दीजिएगा फ्राइडे को। राघव चाहता है कि मैं सिया के साथ उसके घर में रहूं। हाँ माँ जी। एक आप हो जो दामाद जी पर शक करते रहते, और एक वो है जो आपको अपने घर ही बुला रहा है साथ रहने के लिए, ताकि आपको तसल्ली हो। राघव, पर ये क्यों कर रहे हैं हम? मतलब यहाँ भी कैमरा, वहां भी कैमरा, क्यों? प्रिकॉशन जा, दादी आ रही है ना, जस्ट एज अ प्रिकॉशन। राघव, कैमरास तो सर्वेंट्स और वर्कर्स के लिए लगाए जाते हैं ना, वो तो हमारी दादी हैं। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। सो मैं डिटेल में समझाता हूँ, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी जान। आई लव योर दादी, आई रियली लाइक हर, रिस्पेक्ट हर, पर उन पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, संकी होते हैं। उनको खुद नहीं पता होता कि वो अपने सठियापन में क्या करने वाले हैं। क्या कहते हैं, सिनाइल, सठियाना। अब देखो कैसे उस दिन आधी रात को हमारे दरवाजे पे आ गई। हाँ, वो कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो ये सब प्रिकॉशन है। As you also say, precaution is better than cure. और तुमसे अच्छा जान कौन जानता है कि मेरे क्योर करने का तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या है? दादी झेल नहीं पाएंगे।